ये जी हमारा नाश्ता आ चुका है। ओके, और ये मक्खन साथ ही ब्राउन ब्रेड, और ये ब्रेड हमने ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं इस वजह से फिर ये मंगवा देते। अल्लाह, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और आप सोच रहे होंगे कि मैं चेयर पर नमाज़ क्यों पढ़ रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि बरसात का मौसम है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े, कोई नापाक जानवर वगैरह वहाँ से गुजर सकते हैं। तो जहाँ आपको पता है नमाज़ अदा करनी हो, वो जगह बिल्कुल पाक साफ़ होनी चाहिए। नो डाउट ये मैंने क्लिनिंग वगैरह की होती है, लेकिन फिर भी मुझे अंदेशा होता है कि मैं यहाँ पर नमाज़ ना ही पढ़ूँ, तो इस वजह से फिर मैं चेयर पर पढ़ लेती हूँ। ये एक रीज़न है। बड़ी महत्वपूर्ण जगह है जो जिला सलामत है, और यहाँ पे मैं बचपन के बाद अब यहाँ पर आई हूँ। हमारे न्यास आ गए हैं तो न्यास करेंगे। तो पर्दे में उतारे जाते, चांद बनी धोखे से न मारे जाते, माथे न उठते, माथे न उठते, इसकी चौकट से हर रोज पूजा होती, इस देश की भाषा में भगवान पुकारे जाते। क्या बनाइए? क्ले क्ले के साथ बनाए। क्या क्या बताइए? सबसे पहले मैं ये है मिठाई का डब्बा, राइस, केचप, कोका कोला, चिकन, डोनट, ग्लास, आइसक्रीम, पिज्जा, वाओ, नगेट्स, बर्गर, वाओ। ये खाने के लिए सबसे पहले आइस वाला।
ये मेरी कजन है, मेरी प्यारी बहन है, हम दोनों जयवीरों हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग चिल कर रहे हैं। ये एक मिल गया है, हम गुनगुनी चाय इधर बना लूंगी। इधर जी चम बन रही है चाय, क्योंकि इस टाइम गैस आपको पता है पूरा लगा। वो 3 लाख हो गया है, तो आज फाइनली हम वहाँ चला जाते थे कि हाजिरी होनी चाहिए, हाजिरी हम लगा करा जाते। तो जी हम लोग आ गए थे हवेली से और ज़्यारत हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 5 मुहर्रम की जो एक मरकज़ी जो अंदरून शहरों में जो शिबें होती हैं गली गली में, ये बहुत सालों से बहुत अरसे से ये एक सिलसिला चल रहा है। और ये मैंने मेरे ख़्याल से मैं बहुत अरसे बाद मुझे ज़्यारत करना मेरी किस्मत में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह नियत थी ज़्यारत करने की कि इस दफ़ा करूँगी ज़्यारत, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई। तो इस बात की भी खुशी है, तसल्ली है कि ये बड़ी मंजूरी वाली ज़्यारत समझी जाती है, और बहुत मंजूरी वाली जिसको कहते हैं ना, कि यहाँ पे जो भी हम दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। तो इस नीयत से बस गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चाहती थी वो तो हो गया। तो इस तरह से हमारे मुहर्रम गुजर जाते हैं मजालिस में, मुहर्रमों में। तो इस तरह से ये जो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी, ये मैंने अपनी एक पर्सनल एक हमारी फैमिली वहाँ यहाँ पे एक गेट प्रॉपर हमारी फैमिली यहाँ पर इकट्ठी होती है, जो मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई है, वो जो माहौल दिखाया ये हमारी फैमिली का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हवेली बहुत अच्छी है, और वो मैं नहीं बताऊंगी कहाँ है ये एंड ऑल दैट, वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल तो मैं आपको मैं डिटेल नहीं देना चाहती, इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको सोशल मीडिया पर नहीं बतानी चाहिए, तो मैं इसको अच्छा नहीं समझती। तो ये एक हमारे एक फैमिली प्राइवेट एक फैमिली एक जगह है, तो उसको ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुझे उसको दिखाना चाहिए या ज़्यादा बताना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने थोड़ी सी छोटा सा मैंने सोचा कि चलो ज़रा थोड़ा व्लॉग कर लेती हूँ, तो इस वजह से। बाकी मैंने कोई डिटेल नहीं बताई कहाँ है क्या है एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं। तो ये था सारा सीन, तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाबा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मैंने अब घर पर आए हैं, सीरियसली इतना टाइम हो गया पता नहीं चलता, मुहर्रम में हमारा होता है हम लोग आते जाते हैं और चलता रहता है इसीलिए हम लोग लेट भी हो जाते हैं घर पर, और घर आते आते काफ़ी टाइम भी लग जाता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह पैलेस में और न्याजों में और हमारी फैमिली में बड़ा अच्छा एक माहौल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से बस ये सिलसिला चलता रहता है। बाकी बस ये है कि वीडियो को मैंने एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग को एंड कर लूँ, और मैं नमाज़ पढ़ने आई थी यहाँ पर, मैंने सोचा यहाँ पे पहले मैं फजर का टाइम मेरे लिए लिटरली अभी फजर का टाइम है, तो मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। तो ये सारा सीन था, मैं पढ़ने आई थी नमाज, तो मैंने सोचा अब वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाबा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।